ओके बॉयज एंड गर्ल्स वेलकम, कैसे हो आप सब लोग? मजा ऑन लाइफ। सो इंड एस का हम आज सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ इंड एस 16 पीपी। ऑलराइट, तो मेरी एक बात सुनिए। इंड एस का मैंने आपको एक ऑलरेडी एक चार्ट दे रखा है, जिस चार्ट के अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि आपको पहले इंड एस 1 करना है। इंड एस 1 हमारा ऑलरेडी हो गया है, इसके बाद में हम शिफ्ट करेंगे असेट बेस्ड स्टैंडर्ड, असेट बेस्ड स्टैंडर्ड जिनमें हम सारे असेट्स के बारे में स्टडी करेंगे एक्सेप्ट फॉर फाइनेंशियल असेट लाइक डेटर्स, राइट, लाइक इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम इसको छोड़कर बाकी के सारे असेट कंप्लीट कर लेंगे। तो हम पहले शुरू करेंगे इंड एस 16 जिसका नाम है पीपीई। इस इंड एस का अगर आप टेक्स्ट देखोगे जो आपको दिया गया है वो काफी ज्यादा डिटेल में है, तो आपको जो फर्स्ट टेंशन आएगा कि इसको मैं अभी तो आप समझा दोगे सर, पर घर जाके मैं कैसे पढ़ूंगा क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। तो अगर मैं आपको दिए गए तरीका अगर आप फॉलो करोगे तो 110% आप इसको अच्छे से कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू डू इट इन अ कॉम्प्रेहेंसिव मैनर एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। इज दैट ओके? सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फर्स्ट स्टडी विद द टेक्स्ट बुक विच आई हैव गिवन टू यू एट दिस मोमेंट। यू हैव टू स्टडी विद द टेक्स्ट बुक फर्स्ट। टेक्स्ट बुक में आपको कॉम्प्रेहेंसिव तरीके से इलस्ट्रेशन और कई सारे एग्जाम्पल्स है। इसके अलावा मैं आपको एक समरी बुक भी दे रहा हूं। सो टेक्स्ट बुक में जब आप मेरे साथ अभी पढ़ रहे हो तो टेक्स्ट बुक के सारे प्रॉब्लम्स को अच्छे से पढ़ लेना, उनको मार्क कर देना जो जो प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है। यू हैव गॉट अ स्कोप सो यू कैन मार्क द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। वंस द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आर मार्क्ड यू कैन देन रीड इट थ्रू समरी बुक, जहां पे वापस इस पूरे टेक्स्ट का कंसाइज समरी है और साथ साथ इधर एक चार्ट भी आपको दिया गया है जिससे आप ये रिवाइज कर सकते हो। तो मतलब एग्जाम में जब आप जाओगे ना एग्जाम हॉल में तो इंड एस 16 पीपी या कोई भी एस फॉर दैट मैटर आपको ऐसे नहीं लगेगा कि भाई इसमें क्या क्या है, कौन से लाइन हेड्स है, किस में क्या क्या ट्रीटमेंट है, ये मेरे को पता नहीं है, सारी चीज़ें आपको पता रहेगी। इज दैट ओके? तो आपको सिस्टम समझ में आया। अब ये सिस्टम वर्क करने के लिए रूल सिंपल है कि अगर आपने क्लास में ध्यान सही से नहीं दिया तो जाहिर सी बात है ये टेक्स्ट अभी जो मैं आपको क्लास में कराने वाला हूँ वो छूट जाएगी आपकी और फिर घर जाने के बाद में आपको इतना समय नहीं रहेगा कि यू विल बी एबल टू रीड इट इन डेप्थ एंड थरली। उसके बाद में समरी भी काम नहीं आएगी और बाकी चीजें काम नहीं आएगी। तो शॉर्टकट सभी काम आते हैं जब आपका पहले बेस बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये क्लास का टाइम आई होप एंड आई एक्सपेक्ट दैट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इट रियली वेल और उसके हिसाब से आप ये काम करोगे। ऑलराइट, सो ऑलराइट फ्रेंड्स, हियर वी गो विद इंड एस 16। सो यू कैन राइट डाउन द नेम ऑफ द स्टैंडर्ड इंड एस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें मैं आपको कुछ चार्ट्स भी बनवा कर दूंगा जो आपको टेक्स्ट बुक में मेरे साथ साथ बनाने हैं। इज दैट ओके? ऑलराइट, आर यू रेडी नाउ? बेटा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज रिफ्लेक्टेड इन बैलेंस शीट शेड्यूल 3 एज द फर्स्ट आइटम वेर इन वी शो द असेट्स। शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में अगर आप यहां पर देखोगे शेड्यूल 3 डिवीजन 1 के फॉर्मेट में ये कहां पर दिखता है? इट इज द फर्स्ट आइटम तो मैंने आपको बताया था कि नॉन करंट असेट में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। दिस इज द फर्स्ट आइटम व्हेन वी स्टार्ट विद द बैलेंस शीट। इज दैट ओके? एंड माय डियर फ्रेंड, आफ्टर दैट देयर इज अ सीडब्ल्यूआईपी। सीडब्ल्यूआईपी भी हम किसमें देखने वाले बेटा जी? इसी स्टैंडर्ड में हम देखेंगे। हालांकि उसका कोई सेपरेट अकाउंटिंग नहीं है। जब मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सिखाऊंगा ऑफ पीपी तब आपको समझना पड़ेगा कि हमारा इसका अकाउंटिंग कैसे होगा सीडब्ल्यूआईपी। ऑलराइट, नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, What comes to your mind? What is PP? आपको क्या लगता है? What is PP? What is PP? So PP is plant, property and equipment and it is an asset held for use, not for sale. So when I talk about what
If I talk about inventory, inventory is something which is held for sale in the ordinary course of the business, but this is not available for sale. It is held for what? Use. Is that okay? So boys and girls, please come down to the point number. Chalo, mere saath ek bar definition likh lo aap ek bar. What is PPE? Write down what is PPE. Main aapko likh kar de raha hun. Likho, PPE tangible items. PPE tangible items are held for use in production or supply of goods or services, comma, for administrative purposes. All right. Write down condition number two. They are expected to be used for more than 12 months. They are expected to be used for more than 12 months. Now, these are the definitions of what? PPE. Now, let's write down recognition criteria. As per framework, recognition criteria as per framework. So you're going to write down first, cost can be measured reliably. Cost can be measured reliably and future economic benefits are expected. Now, having said that, aapko PPE ki condition samajh mein aayi? What is a PPE? It is an asset. Now, my dear friend, asset kaun si? Held for more than how many months? 12 months. And it is used for production or supply of goods or services, for rental to others, or for administrative purposes. Agreed? Then, my dear friend, I said it is held for more than 12 months. Dhyan rahe ek aur baat ki iske alawa aap tabhi recognize kar paoge jab uska measurement possible hai. Aur dusri baat, the future economic benefit can be expected out of those assets. Key point, subject to Ind As 1 materiality, jo humne padha tha. Matlab aisa ho sakta hai ki sare ke sare condition satisfied hai. But phir bhi materiality satisfied nahi hai. Materiality matlab bahut chota item hai. 12 mahine ke upar use hone wala hai. But chota item hai. So it would be more better that you can write it off against the P&L account. It will not be shown as an asset. But having said that, you should also remember that there would be some small items which individually is not material, but taken together can become material. Then you will have to recognize it as what? Fixed asset. Ye hum aayenge tools spares mein baat karenge. Abhi maine sirf background banaya. Ab meri baat dhyan se sunna mere rasgullo. Ye yahan par jo administrative purpose ye shabd use kiya gaya, ye kafi interesting hai. So write down the next heading. What is administrative purpose? Write down administrative purpose includes selling and distribution. Finance and accounting. Personnel and other functions. Personnel is like HR. Personnel and other functions of an enterprise.
PPE also includes asset acquired. PPE also includes asset acquired for safety and environmental reasons. PPE also includes asset acquired for safety and environmental reasons. Have you done till this point? Now you're all requested to come down to this particular example. Yeh example aapke textbook mein printed nahi hai. Ek baar dekh lijiye. Main aapko sirf samjhane ke liye bata raha hu. Example kya hai? A chemical manufacturer. Everyone, please go through this example. A chemical manufacturer may install new chemical handling process to comply with environmental requirement for production and storage of dangerous chemicals. Okay? Related plant enhancement are recognized as an asset because without them the enterprise is unable to manufacture and sell chemicals. Itna hi kyun? Main aapko ek dusra bata raha hu. Pehle koi bhi vyakti pollution control equipment nahi batata tha when they used to manufacture. But if today government has made it mandatory you have to fix pollution control equipment, then whatever equipment you have bought will be part of PPE, though it cannot be directly used for the purpose of business. So economic benefit should not be perceived direct economic benefit. Economic benefit can be indirect also. Indirect kaise? Kyunki agar wo bithayenge nahi to hum business nahi kar payenge aur business nahi kar payenge to direct economic benefits bhi nahi aayenge. I hope you have got my point. Now lovely people, having said that, write down one more point. PPE also includes biological asset which is BRR plant, biological asset which is BRR plant which is BRR plant. Agreed? Ab zara dhyan se suno. Now I'm explaining you what is a BRR plant. What is a BRR plant. ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं. एक पेड़ राइट विच वी ग्रो इट विल बी बियरर इफ आई एम सेलिंग फ्रूट्स. मतलब उसका इंटेंशन क्या था कि हम उसको क्यों बना रहे, सो दैट वी कैन सेल द फ्रूट्स. माई इंटेंशन वॉज नॉट टू सेल द प्लांट इटसेल्फ. प्लांट को नहीं बेचने वाले और इसकी लाइफ ग्रेटर देन 12 मंथ्स. अ बियरर प्लांट इज अ प्लांट विच इज कल्टिवेटेड सो दैट यू कैन सेल इट्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड वेरी रेयर चांस, वेरी रिमोट चांस दैट द प्लांट इटसेल्फ विल बी सोल्ड. नाउ इफ आई टॉक अबाउट व्हीट मेज, तो व्हीट मेज में भी आप क्या निकालते हो, उसका व्हीट निकाल लेते हो, गेहूं निकाल लेते हो. बट आप उस प्लांट के लाइफ देखेंगे तो 12 महीने के नीचे है, तो इसलिए वो पीपीई में नहीं आता है. इट इज सिंपली एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. इट विल गो इन इंड एस 41 एग्रीकल्चर. आर गेटिंग माय पॉइंट? सो बियरर प्लांट का एक एग्जांपल है कि जब आप प्लांट को नहीं बेचते हो, बहुत रेयर रिमोट पॉसिबिलिटी है दैट यू विल बी सेलिंग द प्लांट. व्हाट यू विल बी सेलिंग इज द फ्रूट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. एग्रीड? एंड इट इज गोइंग टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स. सो कैन यू प्लीज अंडरस्टैंड what is a BRR plant? BRR plant is a plant that satisfy all the three condition. Used in production or supply of agriculture produce. Agriculture produce is what? Fruits. Second, is expected to bear produce for more than 12 months. Kitne mahino tak ye produce karne wala? 12 mahine tak. Or last, has a remote likelihood of being sold as a agriculture produce except एज एन इंसिडेंटल स्क्रैप सेल. जैसे इस क्लास में एसी लगे हुए, तो क्या हम ऐसा एसी को बेचने वाले क्या? नहीं, बट रिमोट चांस है, वेरी लेस लाइकलीहुड कि इसको बेचेंगे. अगर चल नहीं रहा है, काम नहीं ठीक कर से कर रहा है, तो हम क्या कर देंगे? बेच देंगे. बट क्या इंटेंशन बेचने के लिए लिया था क्या? नहीं. सो दैट इज वॉट मैटर्स इन पीपी. इज दैट ओके? सो बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर एक्सपेक्टेड टू ड्रॉ दिस ड्रॉइंग एंड राइट डाउन वॉट इज अ बियरर प्लांट. राइट डाउन द हेडिंग, वॉट इज अ बियरर प्लांट.
ये हो गया, हैव यू डन? ऑलराइट, अब बेटा बीआरआर प्लांट का भी डेफिनेशन लिख दो, लास्ट डेफिनेशन आपको लिखना है आपके टेक्स्ट बुक में, लिखिए। बीआरआर प्लांट इज अ प्लांट, बीआरआर प्लांट इज अ प्लांट विच सेटिस्फाइज ऑल द थ्री कंडीशन, विच सेटिस्फाइज ऑल द थ्री कंडीशन। फर्स्ट वन इज यूज इन द प्रोडक्शन, फर्स्ट वन इज यूज इन द प्रोडक्शन, इज यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इज यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड टू बियर, इज एक्सपेक्टेड टू बियर, is expected to bear produce for more than 12 months, is expected to bear produce for more than 12 months. And has a remote likelihood, and has a remote likelihood of being sold as, of being sold as agriculture produce, being sold as agricultural produce, except for incidental scrap sale, except for incidental scrap sale. Is that okay? तो बेटा अभी तक हम क्या क्या पढ़कर रेडी हो गए कि व्हाट इज अ पीपी, सो पीपी इज द असेट्स विच आर हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स एंड दे आर हेल्ड फॉर व्हाट पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस, देन नेक्स्ट फॉर अर्निंग रेंटल्स एंड द लास्ट वन वॉज व्हाट, फॉर अर्निंग रेंटल्स एंड व्हाट दैट वॉज लास्ट वन वॉज व्हाट, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस, येस और नो? और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस के मैंने आपको मीनिंग बताए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस में मैंने आपको बताया था इट विल बी सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, अकाउंटिंग, प्रोफेशन पर्सोनल, एचआर, एंड इट विल ऑल्सो इंक्लूड एनवायरमेंटल यूनिट्स, इट ऑल्सो इंक्लूड्स बीआरआर प्लांट, एंड वॉट इज द बीआरआर प्लांट इफ इट सेटिस्फाइज ऑल द थ्री कंडीशन, जिसमें द प्लांट इज नॉट सोल्ड बट वॉट इज सोल्ड इज प्रोड्यूस एंड इट इज गोइंग टू लास्ट फॉर मोर देन 12 मंथ्स, yes or no, and there are very rare chances that the plant itself will be sold except the incidental scrap sales. Am I communicating now, boys and girls? Having said that, please now come down to Ind AS 16 PPE. ye aapne sabhi idhar khali page tha us par likh diya, ab aa jaiye introduction. We have already seen what is the introduction, what is the PPE, right? So please underline the word are held for productive use and intended to be used for more than one accounting period, they are not available for sale in the ordinary course of business, they are not available for sale in the ordinary course of the business. Iske alawa recognition criteria bhi maine aapko ek jagah pe likh kar diya, recognition criteria likh kar diya aur Ind AS 1 ka bhi reference diya materiality ka. So introduction ho gaya. Objective, objective is, my dear friend, to determine the carrying amount of the asset, to determine the depreciation, to determine the impairment, right? Us asset ke bare mein depreciation charges, impairment charges, ye sab cheeze karna hai. Agreed? Moving on, scope. The standard does not deal to apply, does not apply to what? Property, plant and equipment classified as held for sale. Write down Ind AS 105. ये किसमें डील होगा? Ind AS 105. और Ind AS 105 इज ऑल्सो रिलेटेड टू व्हाट माय डियर फ्रेंड? असेट बेस्ड स्टैंडर्ड. तो इसी लाइन में जब हम असेट बेस्ड स्टैंडर्ड करेंगे तब Ind AS 105 भी करेंगे. इज दैट ओके? सो जो 105 में असेट हेल्ड फॉर सेल होती है उसके ऊपर Ind AS 16 अप्लाई नहीं करेगा. नेक्स्ट, बायोलॉजिकल असेट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी अदर देन बीआरआर प्लांट,
BRR प्लांट के बारे में मैंने आपको डेफिनेशन लिखा कर दे दिया और BRR प्लांट इज गवर्न्ड इन दिस स्टैंडर्ड. गोइंग अहेड, द रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ असेट, इसके लिए स्पेशल स्टैंडर्ड है माइनिंग पर, स्पेशल स्टैंडर्ड है, वहां पर हम ये देखेंगे. मिनरल राइट्स एंड मिनरल रिजर्व सच एज ऑयल, नेचुरल गैस एंड सिमिलर नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेस, दीज आर विच वी कैन नॉट प्रोड्यूस, इसके लिए इंड एस 16 एप्लीकेबल नहीं है. ध्यान से सुन लीजिए बात मगर पांडे जी, इनको बनाने के लिए या इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो असेट लगती है उसके ऊपर इंड एस 16 अप्लाई होगा. तो माइन के ऊपर, माइनिंग के अकाउंटिंग के लिए इंड एस 16 नहीं है, बट माइनिंग के लिए यूज होने वाली असेट्स उसके ऊपर, हाँ जैसी भी, उसके लिए इंड एस 16 अप्लाई होगा. डू यू ऑल अप्रिशिएट? गोइंग अहेड, However, this standard applies to the property, plant and equipment used to develop or maintain asset described in B2D. इनको maintain करने वाले asset के ऊपर PPE apply होगा Ind AS 16. Come down to this question. मैंने हर एक जगह पे ऐसे example बनाकर रखे हुए, जो भी example आपको लगे कि exam के पहले revise करना है, कुछ example के बारे में मैं ही बता दूंगा, बट जैसे ही हम कोई कंसेप्ट करेंगे उसका एग्जाम्पल तुरंत कर लेंगे. अब बेटा इन सभी एग्जाम्पल्स के आंसर्स लिखा कर देना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि फिर लेक्चर की ड्यूरेशन काफ़ी बढ़ जाएगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आंसर अगर लिखा कर देता तो तुम्हारा ध्यान रहता, बट अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है, अभी आप छोटे नहीं हो, नाउ यू आर मैच्योर्ड इनफ, यू आर इन योर CA फाइनल लेवल्स. तो अगर मुझे इसमें 40-50 क्वेश्चन कराने अगर मान लो, तो जाहिर सी बात है मुझे आंसर देने पड़ेंगे और आंसर डिस्कस करने पड़ेंगे. डू यू अप्रिशिएट दिस? So I hope that you will be focused when we are reading the question and answer. So first question, XYZ Limited manufactures mineral and herbal products. It owns several farms in which it grows plant, the produce from which is used in the production. ABC Limited is a manufacturer and supplies of processed milk and milk product. It owns herds of cattle. Discuss if Ind AS 16 is applicable to XYZ Limited and ABC Limited. तो XYZ Limited क्या बनाता है? Manufactures mineral and herbal product. और ये क्या करते हैं? ABC Limited manufactures and supplies processed milk and milk product. Is that okay? तो मतलब एक out of the box question है. तो देखते हैं इस पर apply होता है कि नहीं. Biological asset defined in Ind AS 41 as a living plant or animal. Ind AS 41 is on agriculture. So living plant or animal. Ind AS 16 does not apply to biological asset related to agriculture activity other than BRR plant. Ind AS 16 thus applies to BRR plant. According to Ind AS 16, BRR plant is living plant that is used in production of supply of agriculture produce. Maine likh kar diya. Is expected to bear produce for more than one period, that is period of 12 months, has a remote likelihood of being sold as agriculture produce except for incidental scrap sale. ये मैंने आपको लिखा कर दिया, अब आगे बढ़ो. Hence, Ind AS 16 will be applicable to plant grown under XYZ Limited. सही है कि नहीं है? क्योंकि XYZ Limited क्या करते हैं? उस प्रोड्यूस को ग्रो करते हैं, प्लांट को नहीं बेचते, प्रोड्यूस को ग्रो करते हैं और उसको प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं जिसमें वो हर्बल प्रोडक्ट बनाते हैं. Yes or no? Going on. Hence, Ind AS 16 will be applicable to plant grown of XYZ Limited. Living animals are not included in the definition of BRR plant. So cattle herd cannot be a part of, cattle herd cannot be a part of PPE. Ind AS 16 mein nahi aate wo. Hence Ind AS 16 is not applicable to the herd of cattle owned by ABC Limited. I think we have done till this part. Alright. Let's go on. Definitions. Definition jaise mujhe zarurat padegi waise hum definition ke paas aayenge. Isme se एक दो डेफिनेशंस हम पढ़ लेंगे. ई वाला डेफिनेशन पढ़ लीजिए, बाकी डेफिनेशंस आपको पता रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू, ये एक नया वैल्यू है, क्योंकि कभी डर नहीं जाना और कहीं फेंका फेंकी मत करके आ जाना. एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू एज पर इंड एस 16 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एन एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू अराइज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ एन असेट एंड फ्रॉम इट्स डिस्पोजल एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ और एक्सपेक्ट्स टू इनकर when settling the liability. In other words, write down, entity specific value is a present value. PV hai na, ye wala keyword hai, is a present value of the cash flow jo ya to liability ko settle karne ke liye lag sakta hai ya asset se milne wale cash flows
या उसको जब बेचेंगे उसके सेटलमेंट वैल्यू. दिस इज एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू. फेयर वैल्यू अगर ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे. पॉइंट नंबर एच हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. यस और नो, व्हाट इज पीपी, आते ही हमने पहले ये लिखना शुरू किया था. यूजफुल लाइफ ये भी एक देख लेते हैं. यूजफुल लाइफ डेप्रिसिएशन में लगेगा बट अभी एक बार देखकर निकाल दो. इज द पीरियड ओवर विच एन असेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड बाय एन एंटिटी और नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम एन असेट बाय एन एंटिटी. एम आई कम्युनिकेटिंग डन डन डन. लवली पीपल, फोर एरियाज इन दिस स्टैंडर्ड और ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट चीज है. चार एरियाज. पहला वाला द अमाउंट एट विच द असेट शुड बी रिकॉर्डेड. तो इसके दो पार्ट करो, इसके दो पार्ट करो. इसमें आपको दो चीजें पता होनी चाहिए. रिकॉग्निशन के वक्त सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट की कॉस्ट कैसे निकलेगी और परचेस्ड की कॉस्ट कैसे निकलेगी. परचेस की कॉस्ट करने के बाद में ही सेल्फ कंस्ट्रक्टेड की करना. इज दैट ओके? सो यहां पर कितने पार्ट बने? सेल्फ कंस्ट्रक्टेड और परचेस्ड. हाउ वैल्यू चेंजेस सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द अकाउंट्स फॉर बोथ वैल्यू इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस. इसके आगे लिखो कॉस्ट मॉडल आपको पता होना चाहिए और रीवैल्यूएशन मॉडल पता होना चाहिए. और रीवैल्यूएशन मॉडल का ओसीआई में क्या फर्क आएगा वो देखना पड़ेगा. ओसीआई इज अदर कॉम्प्रेहेंसिव इनकम. एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस ओवर द फ्यूचर पीरियड एज डेप्रिसिएशन चार्ज. इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन विच आर प्रिस्क्राइब्ड. एग्रीड? मोटा मोटी व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन. नाउ नेक्स्ट डी रिकॉग्निशन. लास्ट पार्ट में आपको पता होना चाहिए डी रिकॉग्निशन. अगर इनको चार हिस्सों में बांटूं तो कैसे रहेगा देखो चार्ट इसका. इसको चार हिस्सों में बांटूं इस स्टैंडर्ड को तो पहला रिकॉग्निशन. रिकॉग्निशन के बाद में इसकी वैल्यू ऊपर नीचे होगी. यस और नो? तो इसको बोलेंगे सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन. ऊपर नीचे होती रहेगी ना वैल्यूएशन. इसी समय इसको यूज करते रहेंगे तो यूज का चार्ज डिप्रिसिएशन कैसे लगेगा. और लास्ट में इसको सेल कर दिया, डी रिकॉग्नाइज कर दिया तब. तो रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन एंड यूज एंड डिप्रिसिएशन. बेटा अब आपको अभी समझना है सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन इन द स्टैंडर्ड. सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन is not equal to subsequent cost. नहीं तो जय माता दी करके आ जाओगे एग्जाम में. सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन बात अलग है और सब्सिक्वेंट कॉस्ट अलग है. ऐसे दो शब्द है. इट इज नॉट इक्वल टू सेम. इज दैट ओके? बट ब्रॉडली हम इसको डिवाइड करेंगे कितने हिस्सों में? चार. सो अब हम कहां से शुरू कर रहे हैं? वी विल फर्स्ट स्टार्ट विथ रिकॉग्निशन. आ जाइए बेटा जी इधर. रिकॉग्निशन का इधर एक चार्ट है, ये हम बनाएंगे बाद में एक बार रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पढ़ लिया तो. रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में ऐसा बोला हुआ है एन एंटिटी कैन रिकॉग्नाइज द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ अ पीपी एज एन असेट इफ एंड ओनली इफ इट कैन बी मेजर्ड रिलायबली. हाईलाइट कर दो इस पॉइंट को और ये एग्जाम में लिखना है. इट कैन बी मेजर्ड रिलायबली. ये मैंने ऑलरेडी करा दिया आपसे. And the future economic benefits from that item of PPE can be expected. Agreed? तो बेटा जी इधर जब आप चार्ट बनाओगे तो चार्ट में क्या क्या लिखोगे? PPE का recognition एक जगह से नहीं हो सकता. PPE के लिए आप पहला लिखोगे definition of PPE should be satisfied. Should be satisfied. इट शुड कवर अंडर द स्कोप. तो ये आना चाहिए. एक बार ये आ गया फिर सेकंड वन क्या? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया. रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आर टू, ए एंड बी गिवन बिलो. यस और नो? इट कैन बी मेजर्ड रिलायबली एंड व्हाट इज बी? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज देयर. नाउ दिस इज गिवन इन फ्रेमवर्क. एंड द थर्ड वन इज मटेरियलिटी.
बट पॉइंट इज इंडिविजुअल इमटेरियल बट ग्रुप मटेरियल. इफ द ग्रुप इज मटेरियल हाँ रिकग्नाइज. तो इंडिविजुअल इमटेरियल है तो नहीं छोड़ देने का, ग्रुप हैज टू बी रिकग्नाइज्ड. इधर पीपीई के अंदर पे स्पेशल अटेंशन, स्पेशल अटेंशन वो है अटेंशन टू टूल्स. टूल्स के बारे में स्टैंडर्ड क्या बोलता है पता है क्या? लूज टूल्स एंड ऑल विल बी ट्रीटेड एज फिक्स्ड असेट इफ दे आर टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स, देन इट वुड बी ट्रीटेड एज वॉट पीपी. और अगर 12 महीने के नीचे यूज किया तो इट विल बी ट्रीटेड अंडर इंड एस टू इन्वेंट्री. इज दैट ओके? ये बात हम आगे देखेंगे. स्पेशल अटेंशन टू टूल्स. तो बेटा जल्दी जल्दी से आ जाइए मेरे रसगुल्ले बच्चे, करते चले जाते हैं. टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स हमने देखा. एन एंटिटी कैन रिकग्नाइज, ये वाला पॉइंट हो गया बेटा. जजमेंट हैज टू बी एक्सरसाइज बाय द इंडिविजुअल एंटिटीज फॉर डिटरमाइनिंग वेदर एन इंडिविजुअल आइटम क्वालिफाई एज एन आइटम ऑफ पीपी. द एग्रीगेशन क्राइटेरिया कैन बी अप्लाइड फॉर इनसिग्निफिकेंट आइटम टू कैपिटलाइज एज एन असेट. वेरी गुड श्रुति, इज दैट ओके? इनसिग्निफिकेंट आइटम्स को आप मटेरियलिटी क्या करोगे? क्लब करके करोगे. ये चार्ट आपने बनाया नहीं क्या अभी तक? चार्ट बनाओ भाई. डालो डालो जल्दी से. ए और बी में मेंशन करना है कि नहीं करना है आपका चॉइस है. घर पर जाके भी बना सकते हो. हाँ किसमें? नहीं रिकग्निशन क्राइटेरिया सेल्फ कंस्ट्रक्टेड और ये नहीं, ये यहां पर रिकग्निशन क्राइटेरिया, ये नीचे वाला ए और बी. अभी मैं यहां पर मेजरमेंट नहीं सिखा रहा हूं, अभी रिकग्निशन क्राइटेरिया की रिकग्नाइज करना है कि नहीं करना है. अगर तुम्हारा आंसर आया यस, इसके बाद में मेजरमेंट के पास जाएंगे. तो डेफिनेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, फ्रेमवर्क सेटिस्फाई होना चाहिए, मटेरियलिटी सेटिस्फाई होना चाहिए, उसके बाद में हम उसका कॉस्ट कितना आएगा मतलब अमाउंट क्या प्लेस करेंगे उसकी बात करेंगे. ये और भी नीचे वाले पॉइंट्स रहेंगे बेटा. चले आगे. ओके ऑलराइट. आफ्टर दिस रिकग्निशन क्राइटेरिया आ जाइए स्पेयर पार्ट्स एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट. इसके अंदर क्या है बेटा जी? रूल सिंपल है. Which are expected to be used for more than one accounting period. ये सबसे की वर्ड है और वर्ड है major. चिल्लर नहीं, major. Major spare parts and standby equipment अगर 12 महीने के ऊपर यूज होने वाला है then it will come in Ind AS 16 PPE. Yes or no? But अगर मान लो वो particular item, right? Other items of spare parts and this, it should be expensed on use and unused part of inventory दिखाया जाएगा closing stock. So it will go under what? Ind AS इंडेस टू में क्या जाएगा? जो 12 महीने के ऊपर यूज नहीं हो रहे, जो मेजर पार्ट है और 12 महीने के ऊपर यूज हो रहे वो चले जाएंगे इंडेस 16 में. अब कुछ स्पेयर पार्ट्स या सर्विसिंग इक्विपमेंट विच कैन ओनली बी यूज्ड इन कनेक्शन विद अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नॉन इंटरचेंजेबल, इन दैट केस माई डियर फ्रेंड इट इज टू बी ट्रीटेड एज फिक्स्ड असेट. ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है स्पेयर पार्ट्स के, बिल्कुल है. स्पेयर पार्ट का एक मेजर एग्जांपल है, मान लेते हैं अपन डिफेंस में जाते हैं. तो डिफेंस में एक पर्टिकुलर टैंकर को ऑपरेट करने के लिए, राइट, जो स्पेयर पार्ट या जो कोई भी इक्विपमेंट लगता है, टूल लगता है, वो स्पेसिफिक उसी टैंकर को अगर लगता होगा
राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब ऐसी कोई भी चीज जो उस पीपीई के साथ स्पेसिफिकली लगती है, सो देन दैट इज क्लासिफाइड अलॉन्ग विद द पीपीई एंड डिप्रिशिएटेड अलॉन्ग विद दैट पीपीई. इज दैट ओके? तो क्राइटेरिया कौन सा हुआ? 12 महीने का क्राइटेरिया हुआ. और दूसरी चीज क्या हुई बेटा जी? इट शुड बी यूज ओनली विथ रिलेशन टू दैट पीपीई, देन इट विल बी क्लासिफाइड एज वॉट? पीपीई ओनली. डिड यू गेट माई पॉइंट? और एक पॉइंट उसके अंदर हमने क्या बताया कि अगर 12 महीने के ऊपर यूज नहीं हो रहा है तो कहां चला जाएगा? इंड एस टू. जो कंज्यूम हो गया वो पी एंड एल अकाउंट को डेबिट हो जाएगा, और जो कंज्यूम नहीं हुआ वो इंड एस टू के हिसाब से क्लोजिंग इन्वेंट्री दिखेगा. डन? ओनली इन कनेक्शन विद द प्रॉपर्टी पर्टिकुलर आइटम ऑफ पीपी. इस बच्चे का क्वेश्चन कि सर अगर वो 12 महीने के ऊपर यूज नहीं हुआ तो, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो. एक ऐसी पीपी जो 12 महीने के ऊपर यूज होगी तभी पीपी बनेगी, क्योंकि उसका डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगी. और ये आइटम उसी के साथ यूज होगा, तो अगर पीपी इज गोइंग टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स, तो जाहिर सी बात है वो जो इक्विपमेंट होगा वो भी 12 महीने के ऊपर ही यूज होगा साथ में. बट अगर मान लो, टू आंसर योर स्पेसिफिक क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, इन दैट केस माई डियर फ्रेंड इट विल बी चार्ज टू पी एंड एल अकाउंट. ऑलराइट, एग्जाम्पल टू. कमेंट वेदर द फॉलोइंग आइटम परचेज बाय एन एंटिटी कैन बी रिकग्नाइज एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. Small spares of rupees how much? 5,000. Answer do. Write down. Small spares. Nice. Small spares for rupees 5,000. Write down. Charge to P&L account. And balance left, show it as closing stock. Charge to P&L account as and when consumed. Charge to P&L account as and when consumed. Answer likh do. Charge to P&L account as and when consumed. Balance is to be shown. Balance is to be shown. Balance is to be shown as inventory as per Ind AS 2. Balance is to be shown as inventory as per Ind AS 2. Come down to the third example. Stand by equipment expected to be used for more than 3 years. Yes, it is a PP. Write down. Will be part of PP. Will be part of PP. Standard नहीं बोला है. तो इसका आंसर एग्जाम में कैसे लिखोगे? तो डेफिनेशन के बेसिस पर आप लिखोगे दैट द स्टैंड बाई इक्विपमेंट, सर्विस इक्विपमेंट एंड टूल्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स विल बी ट्रीटेड एज पीपी अंडर इंड एस 16. इज दैट ओके? So it will be treated as PPE under Ind AS, Ind AS 16. तो जो लिखा है वही लिखना है कि एक साल से ज्यादा यूज हो रहा है, और वही लाइन लिख देती है एज पर Ind AS 16 ऐसा ऐसा होता है. आगे आ जाओ. एग्जाम्पल 3 हमने ऑलरेडी देख दिया है, देख लेते हैं. अगर एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट के लिए आपने अगर कोई चीज खरीदी है, सो विल इट बी पार्ट ऑफ पीपी? द आंसर इज यस. ये देख लो. Yes, it should be recognized an asset because without that plant or entity is unable to manufacture and sell chemicals. Sahi hai na? All right, now come down to measurement criteria. Are you there? Aage aap. So measurement criteria mein main likhta hu, dhyan se dekhna. Measurement, mere sath chart banaiye. मेजरमेंट में डिवाइड इट इंटू टू पार्ट्स, डिवाइड इट इंटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इनिशियल कॉस्ट, सब्सिक्वेंट कॉस्ट. सब्सिक्वेंट कॉस्ट और सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन अलग अलग है. सब्सिक्वेंट कॉस्ट हैज गेन लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ सर्टम स्पेशल फीचर्स. तो ये तो आना ही चाहिए घर पर, क्लियर. इनिशियल कॉस्ट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, सब्सिक्वेंट कॉस्ट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. सो इनिशियल कॉस्ट आई विल राइट डाउन परचेस्ड, एंड इनिशियल कॉस्ट फॉर दिस आई विल राइट डाउन सेल्फ जनरेटेड. जो मैंने इधर लिखा वही मैं इधर भी लिखूंगा, परचेस्ड एंड सेल्फ जनरेटेड. मतलब अगर मैं इधर सिखा चुका हूं कोई चीज तो वो बाय डिफॉल्ट सब्सिक्वेंट कॉस्ट को भी अप्लाई हो जाएगी.
यस और नो? इधर एक पॉइंट लिखूंगा, फॉलो कॉस्टिंग प्रिंसिपल. किसके लिए? सब्सिक्वेंट कॉस्ट के लिए. फॉलो कॉस्टिंग प्रिंसिपल. इनफैक्ट नॉट फॉर ओनली सब्सिक्वेंट कॉस्ट, फॉर सेल्फ जनरेटेड असेट फॉलो कॉस्टिंग प्रिंसिपल. मतलब थोड़ा बहुत कॉस्टिंग का ज्ञान होना जरूरी है. जैसे टेम्पररी इनकम का क्या करना है, स्क्रैप सेल का क्या करना है, ओवरहेड्स का क्या करना है, ऐसी कुछ कुछ चीज़ें रहेगी जो आपको ध्यान रखना है. मतलब किसके लिए? सेल्फ जनरेटेड के लिए फॉलो कॉस्टिंग प्रिंसिपल. सब्सिक्वेंट कॉस्ट के लिए मैं इधर कुछ जगह छोड़ रखा हूँ, यहाँ पर मैं वापस आकर कुछ चीज़ें आपको और बताऊँगा. इज दैट ओके? सो बेटा मोटा मोटी क्या होता है कि एक असेट आप बना सकते हो और एक असेट को आप क्या कर सकते हो? कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. एग्रीड? इस पर अगर क्वेश्चन आया तो स्टैंडर्ड एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा और एक केस स्टडी बेसिस पर क्वेश्चन आएगा. तो अगर इसका आंसर देना चाहते हो एग्जाम में और फुल मार्क्स पाना चाहते हो तो मैं आपको बोल रहा हूं इसके डेफिनेशंस, इसकी लाइन दर लाइन याद कर लेना जितना पैरा मैं आपको बोलूंगा. तो समरी में जब आप देखोगे, समरी टेक्स्ट बुक में ये चीजें हैं, आपको एकदम लाइन दर लाइन आपको ध्यान में होना चाहिए कि क्या क्या चीजें ऐड होगी क्या क्या नहीं होगी. ये लाइन अपनी नहीं है, स्टैंडर्ड ने लिखी हुई लाइनें हैं. तो फर्स्ट वन, पीपी इज इनिशियली रिकग्नाइज्ड एट कॉस्ट एंड दिस कॉस्ट इज नथिंग बट हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड इट कंप्राइजेज ऑफ परचेज प्राइस, कैश प्राइस अलोन इफ टर्म्स आर डेफर्ड क्रेडिट बेसिस. हाईलाइट द वर्ड डेफर्ड क्रेडिट बेसिस और लिख दो रेफर इन प्रॉब्लम. प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी, डेफर्ड क्रेडिट बेसिस. नेक्स्ट, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट. देन नेक्स्ट, कॉस्ट डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू ब्रिंग द असेट टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन एज, आगे लिखो, एज डिजायर्ड बाय मैनेजमेंट, एज डिजायर्ड बाय मैनेजमेंट. अब एज डिजायर्ड बाय मैनेजमेंट का मैं बताता हूं कि क्या मीनिंग है. बेटा आप पहले वाले एएस में ऐसा था कि असेट का डेप्रिसिएशन शुरू होता था पुट टू यूज के बाद, बट अब पुट टू यूज के बाद डिप्रिसिएशन नहीं होगी. असेट की उतनी ही कॉस्ट कैपिटलाइज होगी जब तक कि मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अवेलेबल फॉर यूज करने तक की जितनी भी कॉस्ट है वो इनकर नहीं हो जाती. अवेलेबल फॉर यूज तक की कॉस्ट इनकर हो गई, असेट रेडी हो गई, आपने उसको यूज नहीं किया, उसके आगे की कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती. इंक्लूडिंग बोरिंग कॉस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड. सो यहां पर वर्डिंग है अवेलेबल फॉर यूज और उसके बारे में मैं चर्चा करते रहूंगा. इज दैट ओके? सो अभी के लिए आपको क्या पता चला? परचेस प्राइस आएगी, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आएंगे, रिफंडेबल टैक्सेस विल नॉट बी पार्ट ऑफ कॉस्ट. साथ ही साथ ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट क्या होंगे? माइनस. चीजें बटोरते चलो, यहां तक चीजें आपने बटोर ली, एक दो तीन. अब डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट क्या है? इसके एग्जाम्पल्स स्टैंडर्ड द्वारा दिए गए. कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन लिख लीजिए, लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन. फर्स्ट एग्जाम्पल, ओवरहेडेड टैंक, ओवरहेडेड टैंक रिक्वायर्स, ओवरहेड टैंक रिक्वायर्स साइट प्रिपरेशन. एग्रीड? नेक्स्ट लिखो, इंस्टॉलेशन ऑफ जेनसेट, इंस्टॉलेशन ऑफ जेनसेट रिक्वायर्स साइट प्रिपरेशन. तो ये समझ में आ रही क्या कॉस्ट किसकी बात चल रही है? समझ में आई बात कि मतलब अगर आप जेनसेट लगा रहे हो तो आपने देखा होगा कि एक मिट्टी का एक ढेर बनाया जाता है, मतलब एक मिट्टी क्या बोलते हैं उसको, आरसीसी का एक काम किया जाता है, उसके ऊपर ये जेनसेट लगाया जाता है, राइट? तो वाली चीज. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एज पर इंड एस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट. अगर वो एम्प्लॉय डायरेक्टली उस पीपी के कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन पर काम कर रहा है, मतलब एक एम्प्लॉय जो उसके इंस्टॉलेशन कंस्ट्रक्शन मेकिंग में अगर काम कर रहा है तो वो कॉस्ट क्या करेंगे? ऐड. ये सेकंड पॉइंट हो गया. इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग चार्जेस, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट. कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द असेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली आफ्टर डिडक्टिंग द नेट प्रोसीड फ्रॉम सेलिंग एनी आइटम
produced while bringing the asset to that location and condition, such as sample produced when testing the equipment. Example likhlo, Tirupati Tirumala Devastan. Tirupati Tirumala Devastan. क्या एग्जाम्पल था सुनिए बेटा. तिरुपति तिरुमला देवस्थान में शुरुआत में अगर आपको याद है तो वहां पर ये बनाया करते थे लड्डूज, और वहां पर अन्न क्षेत्र भी है काफी बड़ा. तो बहुत सारे लोगों के लिए आपको राइस बनाना है, बहुत सारे लोगों के लिए आपको चपाती बनानी है, राइट. तो उसके लिए उनके पास पूरी मैकेनाइज्ड एक सिस्टम है, बट वो मैकेनाइज्ड सिस्टम डायरेक्टली उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं की, उसकी टेस्टिंग की. टेस्टिंग इसलिए की कि कहीं कोई पार्ट आ तो नहीं रहा है. उसको फूड बनाने के बाद में उस फूड की टेस्टिंग कराई. अगर फूड टेस्टिंग के लिए सुटेबल था कंटिन्यूस कुछ दिनों तक, तो फूड फेक नहीं देते. उन्होंने स्ट्रेस टेस्ट किया, क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हो सकती है, बराबर पकता है कि नहीं पकता है. तो मान लो एक साथ इतना सारा पकाया, बट उसको इसके लिए तैयार नहीं, हम लोगों को नहीं खिला रहे, बस बनाकर देख रहे, टेस्टिंग चल रही है. तो मेरे बच्चों, जो खाना बना, ऐसा कई बार होता है कि वो बेच दिया जाता है. बेच दिया जाता है मतलब मान लो स्क्रैप में या कोई भी चीज में दे दिया, ऐसा थोड़ी ना फेंक देंगे. अगर मान लो बेच दिया और कोई पैसा आया, राइट, तो वो टेम्पररी इनकम बनी जो माइनस होगा. टेस्ट रन द्वारा, टेस्ट रन करते वक्त अगर कोई टेम्पररी इनकम आती है तो वो माइनस होगी. नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ द स्टैंडर्ड. मान लो तुम एक बिल्डिंग बना रहे थे, और बिल्डिंग की जगह बनाते वक्त उसके पहले कुछ जगह खाली पड़ी हुई थी साइड में. अब खाली पड़ी हुई थी वो, तो वहां पर पार्किंग कर दे दी आपने वो. अब पार्किंग पर दे दी तो उससे आने लग गई इनकम. क्या वो इनकम कॉस्ट में से लेस होगी क्या? द आंसर इज नो. द टेम्पररी इनकम शुड बी इंसिडेंटल टू द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, और इट शुड बी इंसिडेंटल टू द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी. इट शुड बी इंसिडेंटल टू द टेस्टिंग. कोई नेक्सस होना चाहिए कंस्ट्रक्शन के साथ, तो माइनस होगा. अगर नेक्सस ही नहीं है तो माइनस नहीं होगा. तुमने लोन लिया था अपनी एसेट को बनाने के लिए, तो असेट को बनाने के लिए जो लोन लिया था उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है बोरिंग कॉस्ट बोलकर. वो हम अलग स्टैंडर्ड में देखेंगे. बोरिंग कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज. नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट ये हुआ कि जब तक आपका पैसा पड़ा हुआ था खाली, वो अपने बैंक में रख दिया, आपको उस पर इंटरेस्ट मिला, क्या ये इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में लेस होगा क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन के साथ कोई नेक्सस नहीं है. मेरी बात पहुंच रही है आप तक? तो इनकम कौन सी माइनस होगी? तो उसके लिए मैंने हिंट दी, जब आपका ट्रायल रन चल रहा है, ट्रायल रन से जनरेट होने वाली इनकम वो माइनस होगी, या कोई स्क्रैप वैल्यू जनरेट हुई वो माइनस होगी, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होनी चाहिए. आगे बढ़ते, प्रोफेशनल फीस. प्रोफेशनल फीस एग्रीड. और बेटा जी ये एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ द साइट ऑन विच इट इज लोकेटेड. राइट डाउन इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, और लिखिए रिकग्नाइज्ड एट एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू. रिकग्नाइज्ड एट एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू. रिकग्नाइज्ड एट एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू. इज दैट ओके? रिकग्नाइज्ड एट एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू. अब आप मुझे पूछोगे सर व्हाट इज दिस, व्हाट आई मस्ट से, क्या बोलते हैं उसको, एक दो मिनट. Now ask me, sir, what is this estimated cost of dismantling and restoration? Right? ये पेज होने के बाद में आपको और एक पेज का रेफरेंस दूंगा, वहां पर करना है. ये बहुत डेप्थ वाली चीज है और बहुत फाड़ू है, मजा आएगा. अब सुनते हैं क्या हुआ. अब लिखते क्या है फर्स्ट पार्ट, जरा ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं. बेटा मान लो तुमने एक रेंट पर एक प्रॉपर्टी ली. Let's take an example. You have taken a property for lease of 20 years. ठीक है, खुला एकदम ये है, agreed. अब उसके अंदर तुमने कई सारी दीवारें बनाई है. You have made partitions. Agreed. So can I not say that you have made some walls or whatever? बट जो लीज बनाई गई है, उस लीज की एक कंडीशन है कि जाते वक्त, वाइल गोइंग बैक, यू आर गोइंग टू रिस्टोर इट बैक. गोइंग टू रिस्टोर इट बैक.
Now what does that mean? मेरे ऊपर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि अगर मैंने दीवार बना दी तो उसको डिसमेंटल करके ही जाना पड़ेगा, मैं छोड़ के नहीं जा सकता ऐसी दीवार को. मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है, मतलब अगर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है तो वो वाली कॉस्ट की बात चल रही है. इधर मैंने इधर एसी भी लगाया, दिख रहा है आपको, अपनी क्लासरूम है. सर खराब हो गया एसी, इसको निकालो ना. नहीं निकालता, कौन क्या कर लेता. क्या मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है क्या? नहीं. अगर मेरे पास ऐसी ऑब्लिगेशन है कि जिसके ऊपर मेरे पास कोई चारा ही नहीं है, पैसा ही देना पड़ता, खर्चा करना ही पड़ता, दैट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. एंड इफ इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ओनली देन इट विल बी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एक्सपेंसेस. लेट मी गिव यू फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस डिसमेंटलिंग कॉस्ट के. तुमने एक लैंड लीज पर ली है और उस लैंड के ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर बना दिया है. सुपर स्ट्रक्चर बनाने के बाद में उस लैंड वाले ने कहा है कि जाते वक्त इसको तो रिस्टोर करके जाएगा. सो दैट रिस्टोरेशन कॉस्ट इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी. बट प्रॉब्लम ये है मेरे बच्चे कि वो जो लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी है वो करनी है आज, आज की कॉस्ट में. बट कॉस्ट वुड बी इनकर्ड हियर इन फ्यूचर. डिसमेंटलिंग कॉस्ट इज इन फ्यूचर ना. उस समय कितनी कॉस्ट लगेगी वो कॉस्ट फ्यूचर में. अब इस फ्यूचर की कॉस्ट को आपको लेके आना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू पर. किस पर? पीवी पर. एग्रीड? तो इसमें आप ऐड करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट. डिसमेंटलिंग कॉस्ट, डीकमिशनिंग और रिस्टोरेशन और सिमिलर लाइबिलिटीज. से यस. कौन से वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करोगे? प्रेजेंट वैल्यू पर. कैलकुलेटर देना कोई एक. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. ये चार साल बाद मुझे पैसा लगना है. फ्यूचर वैल्यू मुझे रिकॉग्नाइज करना है आज, टुडे. तो मैं कह रहा हूं किसको रिकॉग्नाइज करना है? एट प्रेजेंट वैल्यू. अब मान लेते हैं डिस्काउंटिंग रेट 10% है. एंटिटी स्पेसिफिक के लिए डिस्काउंटिंग रेट कितना है? 10%. तो उसको मैं 10% से कर अगर आज की वैल्यू में ऐड करूंगा तो कितना करूंगा? 1 लाख. तो मैं कॉस्ट में कितना ऐड करूंगा? 1 लाख. आप चाहो तो कर देख लो. 1 लाख को 4 साल आगे ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? 146,410 एट द रेट ऑफ 10%. ए बच्चों, लास्ट में लगने वाले कितने रुपए है? 146,410 लगने वाले ना. बट तुम जब ये एंट्री करोगे तो तुमको ये आ गया फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट 1 लाख, राइट, टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग. यस और नो? बट बेटा ये प्रोविजन तो लाइबिलिटी को मीट नहीं करता है. ये प्रोविजन तो 146,410 का होना चाहिए, बट तुम बना रहे हो 1 लाख. तो ऐसा क्या जादू टोना होगा जिससे आप इसको कन्वर्ट कर दोगे 146,410? तो इसके आगे होगा अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट. ये सिर्फ इंड एस से स्पेसिफिक है. इंडिया में ऐसा नहीं होता. इंड एस में स्पेसिफिक है मतलब एएस में नहीं होता. तुम्हें पता है इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग. ये इंटरेस्ट बोलने के बावजूद फिनेंस कॉस्ट नहीं है. नोमेनक्लेचर क्या यूज कर रहा हूं उससे फर्क नहीं पड़ता. उसको बोलते हैं अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट एंड इट विल हिट माय पीएनएल अकाउंट. एग्रीड? सो लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ इट वुड हैपन. ये देख लो, मैं इधर बनाकर बताता हूं ये पूरा चार्ट. आज के तारीख में पीवी है डिसमेंटलिंग कॉस्ट की पीवी है 1 लाख.
डन, और उसकी फ्यूचर वैल्यू है 146,410. तो मैं अभी रिकग्नाइज करूंगा 1 लाख. सो मेरी एंट्री होगी पीपीई टू कैश ऑब्लिक सॉरी टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, यस और नो? ये मैं एंट्री करूंगा 1 लाख. उसके बाद में हर साल मैं एंट्री करूंगा इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग. फर्स्ट ईयर में मेरा चार्ज आएगा 1 लाख इंटू 10%, इट विल बी हाउ मच? 10,000. फिर 1,10,000 पर आएगा 11,000. सेकेंड ईयर में फिर 1,21,000 पर आएगा 12,100. और फिर 1,33,100 पर आएगा 10%, 13,310. 13,310. अब जरा एक बार चेक कर देख लो एडिशन, आपका प्रोविजन बिल्टअप हो गया 146,410. यस और नो? इसको क्या बोलते बेटा जी? अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट. अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट. ये इंड एस में बहुत कॉमनली होगा, ये वाला अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट. ये कॉन्सेप्ट है इंड एस के अंदर, IFRS के अंदर एक कॉन्सेप्ट है. तो इसमें हर जो चीज है ना वो फ्यूचर वैल्यू कभी आज के वैल्यू पर हिट नहीं करती, क्योंकि आज के इनकम जनरेट हो रही है आज की वैल्यू पर. तो वाई शुड आई हिट द फ्यूचर वैल्यू इन टूडेज P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट? बिल्कुल लॉजिकल है. तो इसलिए ये क्या करते हैं, इसको रिकोगनाइज करते हैं एट प्रेजेंट वैल्यू और फिर उसका डिस्काउंट अनवाइंड करते चले जाते हैं. कैन आई टेक यू हेड नाउ? बेटा क्या ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट चेंज हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो सकता है भाई, प्रोविजन है तो प्रोविजन तो चेंज हो ही सकता है. सो लवली पीपल, इसके आगे लिख दो और एक चीज, रेफर पेज नंबर 31. इसको और एक बार, चेंजेस इन डिसमेंटलिंग कॉस्ट पेज 31 में है. इसका IFRS में एक इफ्रिक है, मतलब एक इंटरप्रिटेशन है, वही चीज हमारे इंड एस में भी उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है. क्योंकि अगर कोई प्रोविजन है तो वो तो चेंज हो सक पाएगा ना बेटा, इट इज सब्जेक्ट टू चेंज. डन लवली पीपल, कैन वी गो एट नाउ? ऑलराइट. तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, ऐसी चीजों को हम हाईलाइट कर रहे थे कि जो इंक्लूड होती है. अब हम ऐसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं विच आर नॉट इंक्लूडेड. सो वॉट आर दोज माई डियर फ्रेंड, प्लीज कम डाउन टू द पार्ट. कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी. मैंने आपको बताया तो था, पुट टू यूज कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अवेलेबल फॉर यूज कॉन्सेप्ट है. आ रही बात ध्यान में? दैट द असेट इज अवेलेबल फॉर यूज एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, यह कॉन्सेप्ट है, पुट टू यूज नहीं है. तो आपने ओपनिंग तक का खर्चा ऐड नहीं कर सकते, ना आप ओपनिंग ऑफ न्यू फैसिलिटी का खर्चा ऐड कर सकते. कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज. शुरुआत में बहुत हैवी खर्चा होता है, बट इट कैनॉट बी कैपिटलाइज्ड, इट हैज टू बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट ओनली. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाई द स्टैंडर्ड इज डूइंग सो. क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड लोग क्या करते थे, मैं आपको बताता हूं. जाहिर सी बात है कि अगर आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस गंदा आ रहा है मार्केट में तो प्रमोटर्स को तकलीफ होती है. क्यों तकलीफ होती है? अब हैवी एडवर्टीजमेंट हिट करेगा P&L अकाउंट को तो प्रॉफिट ड्रॉप होएगा. प्रॉफिट जैसे ही ड्रॉप होएगा तो जो प्रमोटर्स होते हैं दे फील वेरी बैड. व्हाई वेरी बैड? प्रॉफिट कम हो रहा वो प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर प्लंजेस. क्योंकि प्रॉफिट तो नहीं तो भी जितना है उतना ही रहेगा, खर्चा हुआ है वो तो उनको भी पता है, बट जो उनके पास नेट वेल्थ है उनकी शेयर वैल्यू वो डिग्रेड होने लगती है. दूसरी बात, कल को तुमको तुम्हारी कंपनी को बेचना है,
सभी फ्लॉज यहीं से तो शुरू होते हैं. गलत कैपिटलाइजेशन हो गया, जो असेट है नहीं उसको कैपिटलाइज कर दिया. क्यों करते हैं? ताकि जब फ्यूचर में अपनी कंपनी को बेचे तो उनकी बुक वैल्यू ज्यादा रहे और बुक वैल्यू वैल्यूएशन के बेसिस पर उनको ज्यादा वैल्यूज मिले. ये सर आज के तारीख में वैल्यूएशन ऑफ शेयर करते वक्त व्यक्ति एक वैल्यूएशन थोड़ी ना देखता है, मल्टीपल वैल्यूएशन देखता है, मल्टीपल मॉडल्स देखता है. तो हर एक मॉडल में अच्छे से उनको रिटर्न दिखे, इसकी वजह से कैपिटलाइजेशन करने की कोशिश करते. इस वजह से चीज डाली गई है, लोगों ने ऐसे किया, इसीलिए दिस थिंग इज एडेड कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हैवी एक्सपेंडिचर फॉर ओपनिंग अप ऑफ द फैसिलिटी विल नॉट बी एडेड, एग्रीड इन द कॉस्ट ऑफ द असेट. नाउ कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन और विथ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल ओवरहेड्स आर नॉट एडेड. इज दैट ओके? अब इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो हमको देखने पड़ेंगे एंड देन विल गो हेड. इज दैट ओके? अब इसमें और भी कुछ स्टैंडर्ड अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट का स्टैंडर्ड, ये भी हम असेट बेस्ड स्टैंडर्ड में देखेंगे. फिर बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड, ये भी हम असेट बेस्ड में देखेंगे. तो ये स्टैंडर्ड भी पीपीई में ऐड होते रहते हैं. गवर्नमेंट ग्रांट का इफेक्ट आएगा पीपीई में, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ग्रांट मिली है तो पीपीई की कॉस्ट में एडजस्ट हो सकता है. आपने बोरिंग कॉस्ट इनकर की है तो बोरिंग कॉस्ट ऐड या लेस हो सकती है. एम आई कम्युनिकेटिंग और नॉट? सो वो स्टैंडर्ड्स भी इसके अंदर आएगा. सो बेटा जी यहां पर सीसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, दिस वी आर अगेन गोइंग टू सी व्हेन वी सी दैट रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड फॉर बोरिंग कॉस्ट. बस ये यहां पर लिख दिया तो लिख दो ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन. इसमें बस ये आइटम हाईलाइट कर दो. कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट सीजेस व्हेन एन आइटम इज इन द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट. द वर्ड इज केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग, द वर्ड इज नॉट पुट टू यूज, द वर्ड इज अवेलेबल फॉर यूज. कि अगर उसको यूज कर सके जैसे मैनेजमेंट इंटेंड करती है, बात ही खत्म हो गई. आप उसके आगे कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट नहीं कर सकते. तीन पॉइंट और इंपॉर्टेंट एक बार देख लीजिए. कॉस्ट इनकर्ड व्हाइल आइटम केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट हैज येट टू बी ब्रॉट इनटू यूज और इज ऑपरेटेड एट लेस देन फुल कैपेसिटी. सो देन माय डियर फ्रेंड, आप कैपेसिटी के नीचे काम कर रहे हो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, राइट? उस कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकते. अगर आपका असेट रेडी है उसके आगे कैपिटलाइजेशन बंद. इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, ध्यान रखना ऑपरेटिंग लॉसेस है, ट्रायल रन नहीं है. हाईलाइट द वर्ड ऑपरेटिंग लॉसेस. एक एग्जांपल दूं, अभी जैसे एडलैब्स इमेजिक आ गया, यहां पे स्नो वर्ल्ड शुरू हुआ है. स्नो वर्ल्ड पूरे लेवल पर शुरू नहीं हुआ है, छोटा सा उसका एक एरिया शुरू किया गया. अब जब वो छोटा सा एरिया शुरू किया गया तो शुरुआत में उनके ऑपरेटिंग लॉसेस ज्यादा है बिकॉज दे आर सेलिंग इट एट अ चीपर प्राइस. बट वो ट्रायल रन चल रहा है क्या? नहीं. ट्रायल रन का कॉस्ट कैन बी एडेड, ऑपरेटिंग लॉसेस कैन नॉट बी एडेड. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग पार्ट और ऑल ऑफ द एंटिटीज ऑपरेशन. लिखिए इधर की पॉइंट, की पॉइंट. साइट प्रिपरेशन चार्जेस आर एडेड, साइट प्रिपरेशन चार्जेस आर एडेड. But cost of moving, but cost of moving plant and equipment will not be added to new location. Cost of moving plant and equipment to new location will not be added. Example do ek. Shall I give you an example? Maine ek factory khareedi, purani factory hai. टूटी हुई. ऐसे मुंबई में तो बहुत जगह हुआ. मुंबई में मिल्स नहीं होती क्या? मिल्स की मिल्स खरीद ली, मिल्स एज इट इज जैसे थे खरीदा. अब मिल्स को डिसमेंटल किया जाएगा, ये फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट नहीं है, ये तो अभी साइट प्रिपरेशन कॉस्ट बोला मैंने इसको. मिल को डिसमेंटल किया जाएगा और उसके ऊपर आपको जो कुछ भी खड़ा करना है वो खड़ा किया जाएगा. तो जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है जो अभी आप इनकर कर रहे हो वो ऐड की जाती है. बट नेक्स्ट, मैंने मेरे फैक्ट्री के अंदर एक नई मशीन बिठाने का है, तो सामने वाले आदमी ने बोला इंस्टॉलेशन के लिए आपको फैक्ट्री खाली करनी पड़ेगी 10 महीने तक.
मैंने बोला ठीक है खाली करता हूं। तो तब उसके इंस्टॉलेशन के लिए मैं एग्जिस्टिंग मशीनरी को दूसरी जगह शिफ्ट करता हूं और वहां पे काम शुरू करता हूं। तो जब मैं फैक्ट्री के मशीन निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट करूंगा तो जो रिमूवल ऑफ द मशीन्स है उसको दूसरी जगह ऑपरेट करूंगा, दैट इज नॉट टू बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ असेट। तुम्हें समझ में आ रहा है? दैट विल हिट पी एंड एल अकाउंट। हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट क्लियरली? ऑल राइट, एग्जाम्पल फोर पढ़ लीजिए और इनमें से मुझे लगता है एक आध एग्जाम्पल आएगा, छोटे से मार्क्स के लिए आएगा अगर इंडिया 16 में। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखिए। मून लिमिटेड इनकर्स फॉलोइंग कॉस्ट इन रिलेशन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स टू द लोकल मार्केट। सो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री है और इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट इन द लोकल मार्केट, मतलब दोनों एक साथ कर रहे हो। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज एज पर इंडिया 16? तो इंडिया 16 में वो किसको कैपिटलाइज कर रहा है? न्यू फैक्ट्री को। साइट रिट प्रिपरेशन कॉस्ट एड, डायरेक्ट मटेरियल एड, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंक्लूडिंग 10,000 इनकर्ड ड्यूरिंग एन इंडस्ट्रियल स्ट्राइक। मैंने बोला एबनॉर्मल आइटम विल नॉट बी इनकर्ड। सर कब बोला? मैंने बोला कॉस्टिंग प्रिंसिपल। यस सर, कॉस्टिंग में कोई एबनॉर्मल आइटम है तो इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ कॉस्ट ऑफ दैट आइटम। यस सर नो। सो माय डियर फ्रेंड, आई कैनॉट एड 1160 इन थाउजेंड्स। इट वुड बी हाउ मच? यू आई एम गोइंग टू सब्सट्रैक्ट हाउ मच? 10। सो इट विल बिकम, नहीं 11 नहीं, कॉम ये एक्चुअली 11 1160 और आगे 30 है। सो इसमें से कितना माइनस कर देंगे हम? 10, क्योंकि 10,000 है ना, तो 10 माइनस कर देंगे इन थाउजेंड्स। सो कितना बन जाएगा? 1150। दिस विल बी एडेड 1150। टेस्टिंग ऑफ वेरियस प्रोसेसेस इन फैक्ट्री, विल इट बी एडेड? यस, टेस्टिंग ऐड होगा। कंसल्टेंसी फीस फॉर इंस्टॉलेशन, यस प्रोफेशनल फीस ऐड होती है। रीलोकेशन ऑफ स्टाफ टू न्यू फैक्ट्री, ना। जनरल ओवरहेड, ना। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू डिसमेंटल, हाईलाइट द वर्ड एट प्रेजेंट वैल्यू, इसको एंटिटी वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो बेटा कितना आएगा? 200 ऐड। तो देखो बेटा जी, क्या आपकी कॉस्ट मैच होती है क्या? सो टोटल कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज इज हाउ मच? 4,000। डू ऑल अप्रिशिएट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन 1 April 2016 एमएनओ लिमिटेड परचेस्ड अ मशीनरी फॉर 5,60,000 इंक्लूडिंग ₹30,000 रिफंडेबल परचेस टैक्सेस। बेटा अंडरलाइन द वर्ड रिफंडेबल परचेस टैक्सेस। तो ऐड होगा कि लेस होगा? लेस। तो ये होगा लेस, ये होगा ऐड। परचेस प्राइस तो ऐड होगा ना। ट्रेड डिस्काउंट रिसीव 2,300, ये क्या होगा? लेस। द लाइफ ऑफ द मशीनरी इज 10 years। एमएनओ लिमिटेड बोरोड 4 lakh फ्रॉम अ लोकल बैंक फॉर परचेसिंग मशीनरी। हाईलाइट द वर्ड फॉर परचेसिंग मशीनरी। दिस इज अ स्पेसिफिक बोरोइंग विच यू आर गोइंग टू सी इट इन द बोरोइंग कॉस्ट एंड दिस कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड। लोन रेजिंग फी वॉज ₹7,000, ये ऐड होगा क्योंकि ये फाइनेंस कॉस्ट का डेफिनेशन है इन बोरोइंग कॉस्ट। सिर्फ यहां पर समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं मैं कि बोरोइंग कॉस्ट ये भी अफेक्ट करेगा, गवर्नमेंट ग्रांट भी अफेक्ट करेगा, ऐसे कई सारे स्टैंडर्ड जो अफेक्ट करते हैं इस स्टैंडर्ड को। कंपनी इनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 12,000 टू ब्रिंग द मशीनरी टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, ऐड। बिफोर ब्रिंगिंग द मशीनरी टू द साइट द लैंड वॉज यूज एज पार्किंग स्पेस एंड द कंपनी अर्न 1500 फॉर सच इंसिडेंटल यूज। मैंने आपको बताया वही इनकम ऐड होगी जो टेस्टिंग में से आ रही है। यह इनकम का कोई लेन देन नहीं है, यह तो कोई स्क्रैप वैल्यू भी नहीं है, इसका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। आगे एमएनओ लिमिटेड हैज इनकर्ड इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ 70,000 ऐड, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट ऑफ 10,000 ऐड, प्रोफेशनल फीस इनकर्ड फॉर दिस पर्पस 12,500 ऐड। एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी, हाईलाइट एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी, एमएनओ लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू डिसमेंटल मशीनरी and restore the land on which the factory is built. The present value of the cost of dismantling and restoring the site is estimated to be 80,000. What are you going to do? Add initial operating losses cannot be added. Right? Iske aage aur kuch question hai kya? Okay, aage. Cannot be added. Aage. Company spent 13,000 on test run of the machinery. Add. And realized 2,000 from a sale of product manufactured, less some minor cost
1800 for repair were incurred after trial run, ignore. This is subsequent cost which cannot be capitalized. Repairs cannot be capitalized. Day-to-day maintenance activity cannot be capitalized. Again, advertisement and marketing cost incurred in the new product, 6,800, cannot be capitalized. Ignore. Ye dono ignore. At what cost should the machinery be recorded? To beta dekh ke batao mujhe kya tumhari price kitni aayi hai? 6,70,200. To beta directly piche panne par aajao. Pichle panne par aajao. 6,70,000? Na. Kya lafda gaya? Dekhte. Chalo aajao. Pehle hum kya kya karte? Purchase price lenge ke nahi lenge? Yes. Isko tick mark karo. 5,60,000. Minus kya karo? ओके ओके कोई बात नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी तो चेंज कर दो, ठीक है. सो पहला क्या आएगा? 5,60,000 लेस 30,000 रिफंडेबल टैक्सेस लेस ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट, इट बिकम्स हाउ मच? 527,700. नहीं, चेंज कर दो ना, चेंज कर दो, ये जो लिखा हुआ है वो सही है, ठीक है. नाउ 527,700 यहां तक आ गए हम. अब आगे बेटा जरा एक बार क्वेश्चन को देखो. कॉस्ट नेसेसरी टू ब्रिंग दी असेट टू लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन अ मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट. तो इसमें ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट होती है, ये बाय डेफिनेशन दिए हुए, बट ये डेफिनेशन नहीं, ये ऑल इंक्लूसिव क्लॉज है. तो देखते हैं इसका इंटरप्रिटेशन. पहला वाला 12,000 है क्या? 12,000 था कंपनी फॉर ट्रांसपोर्टेशन. अच्छा, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट है नहीं बेटा कुछ भी. कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन 10,000 है क्या? देखो बेटा, टिक मार्क करते जाओ आप एक एक आइटम. बेटा नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट 70,000 है क्या? कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग 11,000 आएगा क्या? नेट ऑफ 13,000 माइनस 2,000, टेस्टिंग की कॉस्ट 13,000 और 2,000 इज वॉट? सेल. प्रोफेशनल फीस 12,500 आएगी क्या? सो बेटा डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट कितनी है? 1,15,500. से यस. अब मेरे रसगुल्ले, इनिशियल कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग एन आइटम एंड रिस्टोरिंग द साइट 80,000. डू यू थिंक सो इट इज अ कॉस्ट? यस. अब आगे बेटा जी, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी, राइट, एंड कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट 6,800. आइटम्स विच आर नॉट पीपी, आइटम्स विच आर नॉट पीपी, बराबर है ना? तो ये लेना नहीं है. कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन, ये तो था ही नहीं कोई. अब ये देख लो, इनकम एंड एक्सपेंस रिलेटेड टू इंसिडेंटल ऑपरेशन. इंसिडेंटल मतलब हमने और कोई व्यापार कर लिया, जमीन पड़ी हुई थी, तो कितना आया उसमें इनकम? 1,500. आई विल से दैट इट इज अकाउंटेड फॉर इन द पी एंड एल अकाउंट. लास्ट लाइन दिख रही क्या? अकाउंटेड फॉर इन द पी एंड एल अकाउंट. एप्रिशिएटेड. गोइंग अहेड, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस सच एज दोज इनकर्ड वाइल डिमांड फॉर एन आइटम्स आउटपुट बिल्ड्स अप आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी. सो इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस 5,000 विल नॉट बी इंक्लूडेड. नेक्स्ट, माइनर रिपेयरिंग कॉस्ट आफ्टर ट्रायल रन. ट्रायल रन हो गया, उसके बाद में कुछ भी कॉस्ट इनकार एड नहीं हो सकती, वो सबसिक्वेंट कॉस्ट में देखेंगे हम कौन सी कॉस्ट सबसिक्वेंट कॉस्ट एड हो सकती है. ये हो गया लोन रेजिंग फीस. लेट सी लोन रेजिंग फीस, द बोरिंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग असेट. ऑफ दिस बोरिंग कॉस्ट वुड हैव बीन अवॉइडेड इफ द एक्सपेंडिचर ऑन द क्वालिफाइंग असेट हैड नॉट बीन मेड. हेंस लोन रेजिंग फीस ऑफ 7,000 एंड इंटरेस्ट ऑन लोन आर बोरिंग कॉस्ट. ये टेंशन न करो, इंड एस 23 में मैं बताऊंगा, राइट. पर लोन ये फाइनेंसिंग कॉस्ट इतना अब एड करना है कि नहीं करते. Borrowing cost on the qualifying asset can be capitalized if it takes substantial period of time to get ready for its intended use. हाँ, अब तू आ रहा है पॉइंट पर. सो बोरिंग कॉस्ट कौन सी वाली कैपिटलाइज हो सकती है? वही कॉस्ट विच टेक्स सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम, द क्वालिफाइंग असेट विच टेक्स सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज. आगे पढ़ो क्या लिखा है.
A qualifying asset as per Ind AS 23 is an asset that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use or sale. Ind AS 23 does not define substantial period of time. Management should exercise the judgment. Ye sab Ind AS 23 ki baatein chal rahi hai. In this case, as the machinery is purchased and put to use within a month, the machinery is not a qualifying asset, and that is the reason 7,000 is not added. Otherwise, agar a qualifying asset hoti, to hum kya kar sakte the isko? Add. Say yes. So, kul milakar mere rasgulle bachche, pehle part se purchase price add hogi? Yes. Aur wo humne working ki hai upar. Cost directly attributable add hogi, iski bhi working ki hai. और 80,000 इनिशियल डिसमेंटलिंग कॉस्ट ये भी ऐड होगी और ये बन जाता है 732,200. एक बार चेक कर लो टोटल, क्योंकि इसमें आप कुछ मिस्टेक बता रहे थे, मैच हो रही है. सो जो बाकी के कॉस्ट ऐड नहीं होंगे उसके हर एक का मैंने वर्किंग आपको दिया हुआ है, इंक्लूडिंग विद द रीजनिंग. इज दैट ओके? एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है उसके लिए वो सारी रीजनिंग आपको दी हुई है. इज दैट ओके? बोला इसलिए नहीं है क्योंकि वो असेट विदिन अ मंथ उसको कैपिटलाइज कर दिया है. 1 अप्रैल 2016 को हमने असेट को खरीदा था. यस और नो? चलो मैं तुम्हारी क्वेरी दूसरे तरीके से सॉल्व कर देता हूं. जहां तक फाइनेंस कॉस्ट है ना बेटा, अगर वो क्वालिफाइंग असेट पर होता तो हम उसको कैपिटलाइज करते, बट अगर एक क्वालिफाइंग असेट नहीं है तो हम उसको कैपिटलाइज नहीं करते हैं. हमने ये अजम्पशन लिया है कि ये मशीनरी क्वालिफाइंग असेट नहीं है, इसलिए कैपिटलाइज नहीं किया. तो तुम्हारी क्वेरी मैं समझ रहा हूं. क्वालिफाइंग असेट है तो क्या कर दोगे? ऐड. नहीं है तो क्या करोगे? नहीं करोगे. और हमने क्या अजम्पशन किया कि ये क्वालिफाइंग असेट नहीं है. समझ आ गई बात? धन में बेटा ये जितने भी आंसर्स अगर आपको बड़े लग रहे होंगे, इसमें आपका उस स्टैंडर्ड पर पकड़ अच्छी बनती है क्योंकि आपको रीजनिंग क्वेश्चन के साथ में मिलते चले जाते हैं. तो क्वेश्चन मगअप करने जैसे नहीं होता है, इसलिए इतना डेप्थ में दिया हुआ है. तो आप इसमें आराम से इत्मीनान से पॉइंट हाईलाइट करके रख दीजिएगा, और उतना ही पार्ट भी अगर आप एग्जाम में लिख के आएगा तो चलेगा, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं होगी. नाउ कम डाउन टू नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट. ये एकदम सिंपल है. कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट में कुछ रूल्स ध्यान में रख लीजिए. डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को कुछ बनाकर दिया और उसके ऊपर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट चार्ज किया, तो रिमेंबर इंटरनल एक्रूवल्स, इंटरनल प्रॉफिट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपी. यू हैव टू एलिमिनेट इंटरनल प्रॉफिट, पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, एनी एबनॉर्मल कॉस्ट विच इज इनकर्ड और एबनॉर्मल डिले इज देयर एंड द कॉस्ट इज इनकर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड, दैट कॉस्ट शुड ऑल्सो बी इग्नोर्ड. एग्रीड? सो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट में मेरे पास सिखाने जैसी कोई चीजें नहीं है. ऑल द डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट विल बी एडेड, इंटरनल प्रॉफिट विल बी इग्नोर्ड, एबनॉर्मल आइटम विल बी इग्नोर्ड, और सारा कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं. सो लेट्स रीड इट. इन केस ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट, ऑल द कॉस्ट डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू अ स्पेसिफिक कॉस्ट एंड अलोकेटेड कॉस्ट आर टू बी इंक्लूडेड, द इंटरनल प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट इज टू बी एलिमिनेटेड. इंटरनल प्रॉफिट लेंगे नहीं आप. Is that okay? चलो आ जाओ इस क्वेश्चन के पास और मुझे इसका आंसर निकाल कर बताओ कितना लेना है कितना नहीं लेना है. कहां पर गया? सॉरी, 6 नंबर. एन एक्स डिपार्टमेंट ट्रांसफर मटेरियल टू वाई डिपार्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% एंड वाई यूजेस द मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स फॉर सेल. वन सच प्रोडक्ट इज यूज बाय द कंपनी एज अ नॉन करंट असेट. हाईलाइट द वर्ड. उनमें से एक प्रोडक्ट उन्होंने कहां पे यूज कर लिया? फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नॉन करंट असेट. द एवरेज ट्रांसफर कॉस्ट ऑफ द मटेरियल रिसीव्ड बाय वाई फ्रॉम एक्स पर प्रोडक्ट इज 11,500. तो वाई एक्स को कितने में भेज चुका है बेटा? 11,500. एंड द एवरेज अदर कॉस्ट आर 3,500 एंड द टोटल कॉस्ट इज 15,000. डू यू ऑल अप्रिशिएट? तो बेटा मुझे एक बात बताओ, कौन अभी अपना डिपार्टमेंट कौन है? वाई है ना? वाई है. अब Y को ये माल मिला X से कितने में? 11,500. और उसने खुद ने खर्चा कर दिया कितना? 3,500. जो Y खुद खर्चा करेगा इसमें नो प्रॉफिट, इसमें कैसे प्रॉफिट आएगा? मगर जो X से आया उसमें है प्रॉफिट. प्रॉफिट एलिमेंट है कि नहीं है? से यस. सो बेटा टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 11,500 प्लस 3,500 कितनी कॉस्ट हो गई? 11,500 प्लस 3,500, कैन आई नॉट से इट इज 15,000? इन द ब्रैकेट 11,500 प्लस 3,500 इज 15,000.
बट बेटा प्रॉफिट एलिमेंट किस पर से माइनस होगा, सिर्फ x से आया वो, सो कितना आएगा 11,500 इंटू 15 डिवाइड बाई 115 बिकॉज इट इज इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट. सो कितना आएगा बेटा जी, ये कैलकुलेट करके बताओ, 1500 ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये कितने पे रिकॉग्नाइज होगा, 13,500. राइट डाउन द आंसर. Turn the page and go ahead. Come down to example number 7. इसमें concept है abnormal cost. It is not to be taken up. An entity constructs a building for its own use. It spends 50 million on material. Rupees 2 million of which was lost in a fire. तो हम कितना add करेंगे? सिर्फ 48 million. And 5 million on wages and other direct expenses for constructing the building. It uses borrowed funds of 30 million on which it pays interest of 3 million. 3 million would be a borrowing cost as per Ind AS 23 and it is eligible for capitalization. Up to the date of completion of construction, what amount to be recognized as a cost of building? So cost of material, highlight the word excluding abnormal loss in the bracket, 50 million minus 2 million will be how much? 48 million. Wages and other cost, 5 million. Interest, my dear friend, is 3 million. So it total turns out to how much? 56 million is the cost which I am going to recognize. Do you all appreciate? बट अब इस चार्ट के पास चलो, जो मैंने पहले शुरुआत में चार्ट बनाकर दिया था, इसको शुरू करने के पहले उस चार्ट के पास चलो. ये चार्ट बनाया था क्या हमने? कौन सा वाला चार्ट बनाया था सर? ये देखो रसगुल्लो, ये वाला चार्ट था. मैं बार बार रिविजिट करते रहूंगा और आपको याद दिलाते रहूंगा. देखो हमने यहां से शुरू किया था, पहले हमने रिकॉग्निशन प्रिंसिपल देखे थे. अब रिकॉग्निशन के बाद में अभी क्या देख रहे हैं? मेजरमेंट. मेजरमेंट में बेटा जी परचेस वाला मैंने बता दिया, परचेस वाला भी बता दिया, सेल्फ जनरेटेड, अभी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड जो है, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड वाला भी बता दिया. हाँ या नहीं? बट कहां गया वो चार्ट? बट अब इधर नीचे कुछ स्पेशल पॉइंट्स के लिए जगह छोड़ी हुई है. अब वो स्पेशल पॉइंट्स लिखिए. फर्स्ट पॉइंट, व्हेन द असेट्स आर एक्सचेंज्ड, व्हेन द असेट्स आर एक्सचेंज्ड, ये एक स्पेशल पॉइंट हुआ. व्हेन द असेट्स आर एक्सचेंज्ड, recognize at fair value. When the assets are exchanged, recognize at fair value. Is that okay? Recognize at what? Fair value. ये एक special case मैंने आपको दिखाया. अब इसमें और भी कुछ आएगा. अब वो fair value कैसे कैसे determine होती है सुनिए. आप ready हो ना? कई बार क्या होता है कि हम असेट को एक्सचेंज कर कर बाय करते हैं. एक असेट दी और दूसरी असेट ली. सो इन दैट केस स्टैंडर्ड सेज दैट यू शुड रिकॉग्नाइज द पीपी एट फेयर वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप और फेयर वैल्यू ऑफ द असेट टेकन, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट. फर्स्ट पॉइंट समझ में? जो दिया, बट देखो यहां पर यह एक्सचेंज नॉन मॉनिटरी असेट का है, कैश दिया. अब जैसे मान लो मैंने कैमरा खरीदा, कैश दी, तो जितनी कैश दी खत्म हो गई बात, वो तो बात ही खत्म हो गई. बट मान लो मैंने कैमरा लिया और मैंने प्रोजेक्टर दिया, तो इस केस में लफड़ा है. बोथ आर नॉन मॉनिटरी, देन आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सचेंज. सो व्हेन बोथ आर नॉन मॉनिटरी, यू शुड फर्स्ट ट्राई एंड रिकॉग्नाइज एट द फेयर मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू ऑफ एन असेट विच इज मोर क्लियरली एविडेंट. फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? अगर दोनों ही क्लियरली एविडेंट नहीं है तो मैं कुछ तो दे रहा हूं, वो मेरे बुक्स में तो होगा. आई एम एक्सचेंजिंग, सो आई एम गिविंग समथिंग. सो व्हेन आई एम गिविंग समथिंग, इट शुड बी एग्जिस्टिंग इन माय बुक्स. सो यू शुड रिकॉग्नाइज इट एट द कैरिंग वैल्यू ऑफ द असेट. एग्रीड? नाउ देयर इज अ वेरी स्पेशल पॉइंट. अगर आपने असेट को एक्वायर किया और
शेयर्स दिए, अपने खुद के शेयर्स इश्यू कर दिए भाई, शेयर बेस्ड पेमेंट, इंडेस 102। तब स्टैंडर्ड ये कहता है इंडेस 102 कि उस केस में पहली प्रायोरिटी दो फेयर वैल्यू ऑफ द असेट एक्वायर्ड को, उसमें प्रायोरिटी है, बट फेयर वैल्यू ऑफ द असेट एक्वायर्ड नहीं है क्लियर, देन टेक द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स इश्यूड, सिक्योरिटीज इश्यूड। तो मैं भी आपको समराइज कर दूं, एकदम सिंपल है। फर्स्ट पॉइंट, एक्सचेंज ऑफ नॉन मॉनेटरी असेट, फेयर वैल्यू ऑफ द असेट विच इज क्लियरली एविडेंट, असेट गिवन अप और असेट एक्वायर्ड, उससे कोई चिंता नहीं है। सेकेंड वन, इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ द असेट इज नॉट क्लियरली एविडेंट, देन कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट गिवन अप। थर्ड वन, इफ असेट इज एक्वायर्ड बाय इश्यूइंग सिक्योरिटी, देन फर्स्ट टेक फेयर वैल्यू ऑफ द असेट एक्वायर्ड, इसमें प्रायोरिटी है, प्लीज समझो, फेयर वैल्यू ऑफ द असेट एक्वायर्ड। बट इफ द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट एक्वायर्ड इज नॉट क्लियरली एविडेंट, इन दैट केस यू हैव टू टेक द फेयर वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज इश्यूड, मतलब शेयर्स की वैल्यू सेकेंडरी लेने की, फेयर वैल्यू ऑफ द असेट प्राइमरी लेने की। फिफ्थ पॉइंट, समटाइम्स अ ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, sometimes the transaction lacks commercial substance, when a transaction lacks commercial substance, all right, in that case you should not derecognize the earlier asset, you should keep on the earlier asset, means what, commercial substance kisko bolte hain, dhyan se suno, mere paas ek iphone hai, kharab ho jata hai, main us iphone ko uthata hu, le ja ke de deta hu unko aur bolta hu ye iphone kaam nahi kar raha, aap rakhiye, आईफोन रख लेते, मुझे दूसरा आईफोन दे देते, दिस ट्रांजेक्शन डज नॉट अफेक्ट माई कैश फ्लोज, माई रिस्क, माई नेचर ऑफ असेट, इट इज वन एंड द सेम, यस और नो। मेरे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है 3000 स्क्वायर फीट, मेरे बाजू वाले के पास में भी 3000 स्क्वायर फीट प्लॉट है, इशू यह है सिर्फ कि मेरा और एक प्लॉट है उसी के बाजू में 3000 स्क्वायर फीट, नाउ आई वॉन्ट टू डू अ सर्टन कंस्ट्रक्शन वेर इन आई वॉन्ट अ प्लॉट टूगेदर, तो मैं मेरे बाजू वाले को बोलता हूं कि क्या आप मेरे साथ वो एक्सचेंज करने को तैयार है, वो कहता है हाँ, तो मैं मेरे पहले वाले प्लॉट को दे देता हूं उसके नाम पर और उसके वाला प्लॉट मेरे नाम पर कर देता है। दिस ट्रांजेक्शंस आर लैकिंग कमर्शियल सब्सटेंस, व्हेन अ ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस यू कैन नॉट डी रिकॉग्नाइज द अर्लियर असेट, यू विल कीप द अर्लियर असेट एज इट इज, हैव यू अंडरस्टूड, शैल वी गो ऑन। सो कमर्शियल सब्सटेंस के ऊपर और बात करेंगे, बट अभी एक्सचेंज में इतने पांच पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, आ गया रिवैल्यूएशन आ जाएगा। अभी हम सिर्फ क्या डिस्कस कर रहे कि एक असेट की शुरुआत में कॉस्ट कैसे डिटरमाइन होती है, फिर हम देखेंगे सब्सिक्वेंट कॉस्ट क्या होती है, फिर हमारा मेजरमेंट वाला कॉम्पोनेंट खत्म होगा। अरे ज्यादा आ गया आगे क्या, यस आ जाओ। कंसिडर द फॉलोइंग चार्ट, उसके पहले ऊपर एक लाइन ली है, इट इज नॉट पॉसिबल टू असर्टन द फेयर वैल्यू, देन नेट बुक वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसके बारे में मैं पूरी चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूं कि यू हैव टू टेक द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट एक्वायर्ड और गिवन अप, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। एग्जाम्पल नंबर 1 and 2 एंड 3 टॉक्स अबाउट दैट। एग्जाम्पल 4 अगर नहीं कर पा रहे हो देन यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट एट वॉट, एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट गिवन अप। तो ये देखो फर्स्ट वन, ये ऐसे पढ़ना है बेटा, एक के नीचे एक, फेयर वैल्यू ऑफ द असेट 12 एक्वायर्ड, फेयर वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप 10, कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट 8 एंड कॉस्ट मेजर्ड एट 12। वाई 12? बिकॉज दिस इज द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट एक्वायर्ड, और बोला भी है क्लियरली एविडेंट। अब मुझे बच्चे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, सर अगर दोनों की फेयर वैल्यू क्लियरली एविडेंट है तो क्या करेंगे? तो झंडू बाम तू मुझे बता, कोई व्यक्ति 12 रुपए की चीज लेकर तुझसे 10 रुपए की चीज लेगा, बाकी का बैलेंस कैश में सेटल नहीं करेगा क्या? थोड़ा व्यवहारिक भी तो बनो, मतलब मान लो मैं तुम्हें 12 रुपए दे रहा हूं, राइट, तुमसे 10 रुपए आ रहे, सो 2 रुपए का कुछ तो करेंगे ना, अगर क्लियरली एविडेंट होते तो वो सेटल करते, बट ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं तो हम एग्जाम में जनरली क्लियरली एविडेंट आपको बताया जाएगा, तो इसमें कहां पर रिकॉग्नाइज होगा? 12 पर। अब फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एक्वायर्ड नॉट क्लियरली एविडेंट, 10 8 10,
और ये दिया है फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप, तो इसमें कहां पर रिकॉग्नाइज करेंगे, 10 पर। अब ये है 12, ये है नॉट क्लियरली एविडेंट, ये 8, किस पर रिकॉग्नाइज करेंगे, 12। और ये है नॉट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, नॉट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, 8। कॉस्ट इज मेजर्ड एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट, यस और नो, 8। एम आई कम्युनिकेटिंग और नॉट, एसेट गिवन अप, ऑल राइट। कम डाउन टू दी फर्स्ट दिस पार्ट एंड देन विल अगेन गो बैक एंड रीड इट। यहां पर पॉइंट नंबर बी, आई एम देयर ऑन पेज नंबर 11। एक चार्ट बनाया हुआ, देखो, कॉस्ट ऑफ पीपी इन केस ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन विच लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, ओके, सो रीड इट। इफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ अ नॉन मॉनिटरी असेट, इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट इट्स फेयर वैल्यू, ये बात हुई थी अपनी, अनलेस द एक्सचेंज ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस और द फेयर वैल्यू ऑफ नीदर असेट रिसीव्ड नॉर द असेट गिवन अप इज रिलायबली मेजरेबल। एग्रीड? तो अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है ट्रांजेक्शन में तो एक्सचेंज हुआ भी होगा तो भी आप क्या करोगे, यू विल कीप द असेट एट वॉट द बुक वैल्यू ओनली, उसको डी रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। और अगर मान लो एक्सचेंज हुआ है कमर्शियल ये भी है बट साला मैं फेयर वैल्यू ही नहीं निकाल पा रहा हूं दोनों की, सो एट व्हाट वैल्यू आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड इट, आई एम गोइंग टू कीप द असेट एट कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट। ये समझ में, कैरिंग अमाउंट पर कब रखना है, व्हेन इट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस एंड नीदर ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट एक्वायर्ड और फेयर वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप कैन नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली। ये इस चार्ट में दिया है, पढ़ो ध्यान से। इफ एन असेट इज एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ एक्जिस्टिंग असेट नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन, द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप or the value of the asset acquired is to be ascertained and the value whichever is more clearly evident is to be treated as the cost of the asset acquired, but if transaction lacks commercial substance or fair value of either of the asset is not known, recognize at book value. ये समरी हो गया एक्सचेंज का, इसमें सारा आ गया। शेयर्स का नहीं है, हालांकि शेयर्स का हमें एग्जाम्पल के थ्रू ही करना पड़ेगा। Are you ready? ABC Limited, example padhte beta. ABC Limited has acquired an item of PPE. What will be the cost of an asset in the following situation? ABC Limited gave up its machinery and acquired an office building. Kya ye dono alag alag hai kya? Main bhi aapko prepare kar raha hu ki what is commercial substance? Iske liye taiyar kar raha hu. Asset ka nature alag alag hai kya? Ek hai building aur ek hai machinery. From an MNO limited in exchange transaction, the transaction has commercial substance, the fair value of the building acquired is 20 lakh. Ab tum mujhe batao isko kaun si value par record karoge? You are going to record it at 20 lakh. Commercial substance bhi hai, fair value bhi pata hai, to fair value par record kar doge. Next, ABC limited gave up its machinery and acquired an office building from MNO limited in exchange transaction. The transaction has commercial substance, the fair value of the building acquired is not available, but the fair value of the machinery given up is what? 15 lakh. You can record it at what? 15 lakh, as the transaction has commercial substance also. Now next, ABC Limited acquired a factory building under a finance lease from MNO Limited. The company also needs guidance in the following matters: how to determine an exchange transaction as commercial substance, and when can we say that the fair value of the asset is reliably measurable. Unko do cheezon par guidance chahiye.
आर यू रेडी? सो लेट्स गो ऑन. ये बेटा पहला केस हमने पढ़ाई कर लिया, सेकंड केस भी हमने पढ़ाई कर लिया. एन एबीसी लिमिटेड एक्वायर्ड फैक्ट्री बिल्डिंग अंडर फाइनेंस लीज. द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ फाइनेंस लीज पीपी हेल्ड बाय लेसी अंडर फाइनेंस लीज इज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विथ इंड एस 17 लीजेस. ये भी एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड के अंदर है. इज दैट ओके? तो वहां पे हो जाएगी. अब पांडे जी, इशू वन, हाउ टू डिटरमाइन इफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस. शायद आपके टेक्स्ट बुक में प्रिंट हुआ नहीं है, राइट? ये फ्लॉ रह गया. तो इधर देख लीजिए, आपको एक एडेंडम बोल के ये मिल जाएगा फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है ना? ये आपके टेक्स्ट बुक में प्रिंट हुआ नहीं है. देखिए, हाउ टू डिटरमाइन इफ एन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस. एन एंटिटी डिटरमाइंस वेदर एन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस बाय कंसिडरिंग द एक्सटेंट टू विच द फ्यूचर कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन. मैंने ये बेंच एक्सचेंज कर दूसरी बेंच ले ली, मेरे कैश फ्लोज कहां चेंज हो रहे? मैंने बेंच एक्सचेंज कर गोल्ड ले लिया, क्या मेरे कैश फ्लोज एक्सचेंज हो रहे? यस. तो बेटा जी, पहला वाला जो ट्रांजेक्शन था बेंच फॉर बेंच इज नॉट हैविंग एनी कमर्शियल सब्सटेंस, बट द सेकेंड ट्रांजेक्शन हैड कमर्शियल सब्सटेंस. तो उसको इन्होंने इंग्लिश में कैसे लिखा कि कैश फ्लोज चेंज होने चाहिए आपके एक्सचेंज ऑफ असेट के बाद में, क्योंकि दोनों की कैश फ्लो जनरेटिंग एबिलिटी अलग अलग होती है. फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट, द एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस इफ द कॉन्फिगरेशन रिस्क टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ द कैश फ्लो ऑफ द असेट रिसीव्ड डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ द असेट ट्रांसफर्ड और द एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द पोर्शन ऑफ द एंटिटीज ऑपरेशन अफेक्टेड बाय द ट्रांजेक्शन चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सचेंज. अब मैं बेंच एक्सचेंज करूंगा और गोल्ड लूंगा तो मेरे ऑपरेशंस अफेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि बेंच का यूज अलग है और गोल्ड का यूज अलग है. इन अदर वर्ड्स, अगर सिमिलर असेट है जो एक्सचेंज में होता नहीं क्या, जैसे मैंने अभी लैंड का एग्जांपल दिया, बेंचेस का एग्जांपल दिया, आईफोन का एग्जांपल दिया, राइट? दिस लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, दे आर सिंपली एन एक्सचेंज. नाउ नेक्स्ट, द डिफरेंस इन ए और बी सिग्निफिकेंट रिलेटिव टू द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट एक्सचेंज. माई डियर फ्रेंड्स, इट हैज गॉट अ कमर्शियल सब्सटेंस अगर दोनों असेट को जो एक्वायर कर रहे हो, राइट? इनके फेयर वैल्यूज तो ठीक है, बट जो कैश फ्लोज जनरेट हो रहे हैं उन कैश फ्लोज में बहुत ज्यादा फर्क है. तब हम क्या बोलेंगे जाकर कि इट हैज गॉट कमर्शियल सब्सटेंस. एम आई कम्युनिकेटिंग? सो कमर्शियल सब्सटेंस क्या है, ये देखो क्या लिखा है, एन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस अगर दोनों के कैश फ्लोज अलग है, रिस्क टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ द कैश फ्लोज इज डिफरेंट, एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू, एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू समझ में आ रहा है, पीवी, एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द पोर्शन एंटिटीज ऑपरेशन अफेक्टेड बाय द ट्रांजेक्शन चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सचेंज, और ए और बी के अंदर जो फर्क है वो सब्सटैंशियल है. बेटा अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला पढ़िए. व्हेन कैन वी से दैट द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट इज रिलायबली मेजरेबल. द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट इज रिलायबली मेजरेबल इफ वेरिएबिलिटी इन रेंज ऑफ रीजनेबल फेयर वैल्यू मेजरमेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट for that asset or the probability of various estimate within the range can be reasonably assessed and used when measuring a fair value. If an entity is able to measure reliably the fair value of either the asset received or asset given up is used to measure the cost of the asset received unless the fair value of the asset received is more clearly evident. To beta yahan par ye baat kya kar raha hai, kiski fair value lena? Agar if an entity is able to measure reliably the fair value of the asset received or asset given up is used to measure the cost of the asset received, मतलब अगर आपको जो मिला है उसकी फेयर वैल्यू अगर आप और ज्यादा अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हो तो उस पर रिकॉग्नाइज करो पहले. तो प्रायोरिटी वन क्या, फेयर वैल्यू ऑफ द असेट रिसीव्ड, एंड देन यू शुड टेक फेयर वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप. अब सर ये वाला पार्ट कहां पे आएगा? दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ, नॉट अ पार्ट ऑफ 16. इसके लिए और एक स्टैंडर्ड है विच इज फेयर वैल्यू. तो फेयर वैल्यू में हम ये चीज देखेंगे, हालांकि वो थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड है और आपको डिटरमाइन करने के लिए नहीं बोला जाएगा, इट इज ओनली फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दिस वाला पार्ट ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन. तो इसके लिए चिंतित मत होना, इसके लिए सेपरेट स्टैंडर्ड है. बट ये हैज गॉट कमर्शियल सब्सटेंस, ये वाला इंपॉर्टेंट है, राइट? ये एग्जाम में कर जाना चाहिए. हैप्पी? सो कहां तक पहुंचे अभी हम?
एक्सचेंज तक पहुँचेंगे थोड़ा बहुत. अब एक्सचेंज तक पहुँचने के बाद में इसके कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे. तो आ जाइए, रुके गए हो, कम डाउन टू दिस. ये हम बाद में आएंगे, एग्जाम्पल 8 के पास बाद में आएंगे. कम डाउन टू फर्स्ट, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 9, 10, एग्जाम्पल 9, 10 और कौन से कौन से. मेरे एग्जाम्पल्स का, हाँ यस, 9, 10, 11, 12 एंड 13. ट्राई एंड सॉल्व इट, ट्राई एंड सॉल्व इट. 9, 10, 11, 12, 13. संतोष पानी देना. Done. Will take time. Okay, then let's meet after a break of 5 minutes. You do it. After that, take a break of 5 minutes and then we'll meet up. All right. Chal rahe hain do aap.
दिल टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स. रहने दो, चालू रहने दो, ब्रेक ले लेंगे वो.